हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट ऊपर। सो आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सिद्धार्थ बामानिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, AI के बारे में बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो रेशन प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाले वीडियो के ऊपर। अगर आप पॉडकास्ट भी सुन रहे हो तो पॉडकास्ट के ऊपर भी आप सभी का स्वागत है। तो आई होप कि मेरा माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, हमारा माइक भी हमारा ठीक से वर्क कर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सिंपल एंड ईजी वे में बोले तो अगर आपके रेसिडेंशियल हो गए, जहाँ पे आप घर पे रहते हो, वो घर अपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं, तो उसके रेसिडेंशियल कमर्शियल, जहाँ पे आपकी ऑफिस है, आपकी तो उसको कमर्शियल बोलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री काम करती है, उसे भी बोलते हैं प्रॉपर्टी एसेट। और लास्ट वन है हमारा लैंड, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड हो गई, तो उसे भी बोलते हैं एक ऐसा प्रॉपर्टी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो मूवेबल है वहाँ पे, मतलब उसको तो उसे बोलते हैं प्रॉपर्टी। वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitluxbamania.com/gift, तो आपको वहां से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। रियल प्रॉपर्टी वर्सेस पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसमें कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप मूव नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी जो लैंड है तो उसको आप कहीं से उठा के नहीं जा सकते। बट उस वाली प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते, उस वाली प्रॉपर्टी के जो फर्नीचर है, जहाँ पे कुछ व्हीकल्स है, उसको आप मूव कर सकते हो, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। रियल प्रॉपर्टी मतलब कि आप मूव नहीं कर सकते, बट जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसमें कि आपका फर्नीचर आ गया, कुछ घर का सो सामान आ गया, तो आपका जो एसेट है, जिसमें कि आपके पास फुल राइट है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का, उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस प्रॉपर्टी को सेल करने का, आपके पास फुल राइट्स है, तो वो भी आपके पास रहेगा। उसके बाद बात करें तो उस लोकेशन के हिसाब से, साइज के हिसाब से, उस लीगल डॉक्यूमेंट की बात करना है, तो अगर आपने उस प्रॉपर्टी को सेल किया या फिर परचेज किया या फिर उस प्रॉपर्टी को किसको ट्रांसफर किया या फिर गिफ्ट में दिया, तो आपको एक लीगल प्रोसेस करनी पड़ेगी, जहाँ पे उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वर्थ या फिर एक्चुअल के साथ शेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो सकती है, तो आपको गवर्नमेंट को चार्जेस देने पड़ेंगे या फिर स्टैंप ड्यूटी या फिर गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, वो भी आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जाके आपके नाम पे गवर्नमेंट आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू। तो ऐसे ही इजी एंड सिंपल वे में रियल एस्टेट के कंटेंट को, रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए आप इस वाले पॉडकास्ट को या फिर इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। हे, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं, तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में, जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।